नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद पीवाई पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुरेश रैना को लेकर। जी हाँ, सुरेश रैना ने IPL 2020 से अपने आप को पर्सनल रीजंस की वजह से पुल आउट कर लिया। अभी तक रीजंस इतने ज़्यादा वेरीफाइड नहीं है। सुरेश रैना बोल रहे हैं कि पर्सनल रीजंस की वजह से पुल आउट किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं सुरेश रैना को उन्होंने जो रूम मांगा था चेन्नई सुपर किंग मैनेजमेंट से वो नहीं मिला, इसलिए सुरेश रैना ने पुल आउट कर लिया। लेकिन अभी तक कुछ वेरीफाइड नहीं है। रैना ने जरूर ये कहा है कि उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से पुल आउट किया है। अब वहाँ पर रिप्लेसमेंट की आज हम बात करने वाले हैं सुरेश रैना के, कौन कौन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। तो आज हम आपको चार नाम बताने वाले हैं सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट के बारे में। देखिए, CSK को वैसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहले से काफ़ी प्लेयर्स हैं। केदार यादव हैं, बाती राइडू हैं, इंडियन प्लेयर काफ़ी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं जो अभी COVID-19 पॉजिटिव हैं, लेकिन आगे वो COVID-19 नेगेटिव होंगे। उसके बाद हो सकता है उन्हें प्लेइंग 11 में भी चांस मिले। तो अभी हम सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं। अगर सुरेश रैना वापस नहीं आते हैं तो उनकी जगह कौन CSK किन किन प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट एज ले सकती है। तो सबसे पहला नाम वहाँ पर आता है यूसुफ पठान का। देखिए, सुरेश रैना जो करते हैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, तो टॉप ऑर्डर में CSK के पास अंबाती रायडू को भेज सकती है, और नीचे जो लोअर ऑर्डर में जो एक फिनिशर चाहिए होता है वहाँ पे वो यूसुफ पठान को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूसुफ पठान भी हिट लगाते हैं, बैटिंग करते हैं और सुरेश रैना की तरह हल्का सा पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। तो वहाँ पे रैना के परफेक्ट रिप्लेसमेंट मेरे को देखते हैं। तो यूसुफ पठान पहला ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं मनोज तिवारी। तो यहाँ मनोज तिवारी भी सुरेश रैना की तरीके से ही जो बैटिंग में भी आपको थोड़ा सा ऑप्शन देंगे और बॉलिंग में भी, अब उन्होंने अजीबोगरीब एक्शन की बॉलिंग सीखी है तो वहाँ पे भी वो आपको रैना के तरीके से पार्ट टाइम बॉल करके दिखाएंगे। नंबर तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है हनुमा बिहारी। जी हाँ, हनुमा बिहारी आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर बैट्समैन है तो रैना का रिप्लेसमेंट जरूर मिल सकते हैं। लेकिन हनुमा बिहारी अनसोल्ड रहे IPL ऑप्शन के दौरान, तब तो हल्की सी जरूर हमको चिंता हुई थी कि क्या टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज IPL ऑप्शन में कोई नहीं खरीदेगा। तो ये टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लग गया हनुमा बिहारी पे, वो एक दिक्कत की बात है। देखना होगा कि CSK उन्हें एज रिप्लेसमेंट लेगी। अब चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो रैना के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, चेतेश्वर पुजारा पे टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा जरूर लगा है, बट क्या सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट के रूप में वो जाएंगे वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा के बाद? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जाएंगे। बट अब चलते हैं चारों में से सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कौन है सुरेश रैना का। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर वाकई चाहिए चेन्नई सुपर किंग को पहली, तो मेरे हिसाब से तो चाहिए नहीं है, क्योंकि अगर चाहिए भी है तो मेरे हिसाब से शायद मनोज तिवारी को लेना चाहिए, क्योंकि उनका पिछला IPL भी बहुत अच्छा रहा था। उससे पिछला IPL राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए बहुत अच्छा रहा था, और घरेलू जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उन्होंने अभी रन बनाए, तो वहाँ पर भी उनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा था। तो मनोज तिवारी मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत ही उम्दा रिप्लेसमेंट होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।